11,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाला मामले में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। शुक्रवार को ईडी ने 11 राज्यों में 45 नई जगहों पर छापेमारी करते हुए 5,649 करोड़ कीमत के हीरो और सोने की ज्वेलरी को जब्त किया है। इसके अलावा ईडी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर, डिस्क और सामग्रियां भी जब्त की हैं। ईडी ने विदेशों में नीरव मोदी के स्टोर को बंद रखने को कहा है। इस बीच ये जानकारी सामने आई है कि इस महाघोटाले के ज़्यादातर लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2017-18 के दौरान जारी किया गया, उन्हें रिन्यू किया गया। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी फिलहाल कहाँ हैं, इस बात की जानकारी सरकार को नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि हमारे किसी भी अधिकारी के पास नीरव मोदी से संबंधित कोई जानकारी नहीं है या कोई भी अधिकारी उनके संपर्क में नहीं है। उन्होंने कहा कि वो जिस देश में है वही रहेंगे। पासपोर्ट सस्पेंड होने के बाद अब वो कहीं नहीं जा सकते हैं। दोनों को पकड़ने के लिए ईडी ने इंटरपोल से मदद मांगी है। ईडी ने नीरव और मेहुल को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 23 फरवरी को तलब किया है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीरव मोदी न्यूयॉर्क के होटल में है और 90 दिन के लिए वो होटल बुक करा हुआ है।